चुनावी साल है तो ऐसे में आम आदमी को राहत के लिए चौतरफा लोक लुभावने फैसलों की बौछार हो रही है। आज जीएसटी काउंसिल ने छोटे कारोबारियों को नए साल का तोहफा दिया है। जीएसटी काउंसिल ने कॉम्पिटिशन स्कीम को लेकर बड़ा फैसला किया है। जीएसटी काउंसिल ने आज जीएसटी के दायरे को बढ़ा दिया है। अब 40 लाख टर्नओवर वाले जीएसटी के दायरे में आएंगे। पहले ये लिमिट 20 लाख रुपए थे, यानी छोटे कारोबारियों के लिए बड़ी राहत। छोटे राज्यों में जो लिमिट 10 लाख थी, वो लिमिट भी बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई। इन छोटे कारोबारियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन में के झंझट से भी छुटकारा मिल जाएगा। कंपोजिशन स्कीम की लिमिट को बढ़ाया गया है। इसकी सीमा को बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अभी तक इसकी सीमा 1 करोड़ रुपए थी। कंपोजिशन स्कीम के लिए नई लिमिट 1 अप्रैल 2019 से लागू होगी। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल ने छोटे कारोबारियों को सालाना रिटर्न फाइल करने की छूट दे दी। इसका मतलब है कि 1 अप्रैल 2019 से इन कारोबारियों को एक ही रिटर्न फाइल करनी होगी, लेकिन जीएसटी तिमाही आधार पर भरना होगा। पहले कारोबारियों को हर तीसरे महीने में रिटर्न भरना होता था। 50 लाख तक का कारोबार करने वाली सर्विस सेक्टर यूनिट को भी कंपोजिशन स्कीम के दायरे में लाया गया है। इन पर 6% के रेट से जीएसटी लगेगा। जीएसटी काउंसिल ने केरल को 2 साल के लिए 1% आपदा सेस लगाने की भी मंजूरी दे दी है। उम्मीद की जा रही थी कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर जीएसटी रेट घटाकर 5% हो सकता है, लेकिन इस फैसले को काउंसिल ने टाल दिया। इस पर फैसले के लिए कमेटी बनाई गई है। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर जीएसटी रेट घटाने का फैसला हो सकता है, यानी रास्ते घर के लिए अभी और इंतजार करना होगा। जीएसटी काउंसिल से घर खरीदारों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं आई है, लेकिन छोटे कारोबारियों को सरकार ने जरूर खुश कर दिया।